एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आखिर क्यों होते हैं, क्या होती है इसके पीछे की वजह। देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैंने पहले कभी बात ना की हो। दो वीडियो तो मैं इसके ऊपर बना ही चुकी हूँ, जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते भी होंगे, उन्होंने वो वीडियो देखे भी होंगे। लेकिन आज इस टॉपिक को मैंने दोबारा चुना है बात करने के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक यूनिवर्सल होते हैं, सदाबहार होते हैं, उन पर जितनी बात कर ली जाए उतना कम है। वो वीडियो पुराने हो जाते हैं, टॉपिक कभी पुराने नहीं होते। तो एक बार दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा रहेगी, लेकिन नए अंदाज में। जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वही होता है जहां दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, काफी टाइम से उस रिलेशनशिप को निभा रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप को ही समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है इसे नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से बदलते हुए वक्त के साथ एक इंसान के लाइफस्टाइल में बदलाव आया, उसके सोचने समझने में, देखने के नजरिए में बदलाव आया, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, टीवी दीवार की स्क्रीन से उतर के हमारे हाथों में आ गया मोबाइल के रूप में। सेम इसी तरह से रिश्तों में भी काफी बदलाव देखा गया है। फिर वो रिश्ता चाहे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का हो या फिर आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान रिश्ता हो, आइसोलेशन इतना बढ़ चुका है कि आपके पेरेंट्स को भी उतना ही पता चल पाता है आपके बारे में जितना आप उन्हें बताते हैं। अब किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है तो उसे भी जॉब करनी है, एक्सपेक्टेशन उसकी भी हाई हो रही है, क्योंकि वो अब चार दीवारी में झाड़ू पोछा करने वालों में से नहीं है। वो औरत भी बाहरी दुनिया को अपने नजरिए से देख रही है, उसका भी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका है, अपना माइंडसेट तैयार हो चुका है, तो एक्सपेक्टेशन उसकी भी बढ़ रही है। तो ये जो बदलता हुआ टाइम और बदलते हुए हालात है ना, इसके साथ लोगों को डील कैसे करना है ये उन्हें पता नहीं है। ये बदलते हुए टाइम का अनुभव तो हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं जो हमें ये सिखा सके कि इन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आप ऐसे डील करो, क्योंकि उनका टाइम तो बिल्कुल अलग था, किसी को किसी से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। एक हस्बैंड जो है वो सुबह चला जाया करता था जॉब पर, 9 से 6 की नौकरी किया करता था, सुबह भिंडी ले गया, रात को आगे दाल रोटी खा ली। एक वाइफ जो है उसकी, उसने अपने बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी बिता दी, तो किसी को किसी से कोई खास उम्मीदें ही नहीं थी, झंझट भी नहीं थे कि इस परिस्थितियों को ऐसे संभालो, ये करो ना, सोशल मीडिया का टाइम। लेकिन आज का टाइम कुछ अलग है, इस इंसान को वीकेंड पे बाहर शाम मनानी है, पिक्चरें डालनी है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बड़ा लोगों को पता कैसे लगेगा कि हम कितने खुश हैं। बहुत से कपल इन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और आगे जाके इनकी संख्या और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। सॉल्यूशन क्या है? कपल एजुकेशन बहुत जरूरी है। जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है उसके साथ आप रह रहे हैं तो कैसे रहना है, इसके फंडामेंटल, इसकी ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीजें सीख लेंगे तो आपके लिए किसी के साथ भी रहना, खासकर अपोजिट सेक्स के साथ रहना इजी हो जाएगा। ये आज के टाइम की जरूरत है। आप अपनी बीवी को थप्पड़ मार के नहीं चला सकते, अब वो टाइम चला गया और बीवी खुद 2 लात मार के भाग जाएगी। बीवी को छोड़ो, आप अपने बच्चों तक को नहीं चला सकते। अब एक चीज और समझने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत समझदार हूँ, मैं तो अपने रिलेशनशिप को संभाल ही लूंगा, तो एक चीज यहाँ पर समझने की है कि 15-20 सालों में एक जो इंसान है वो टेक्निकली वो डेवलप हुआ है, सोशल मीडिया ने उसे और ज्यादा ट्रेंड कर दिया, इंटेलिजेंट बना दिया है, मानते नहीं मानते हैं, लेकिन इन्हीं लास्ट 15-20 सालों में जब ये इतनी डेवलपमेंट हुई है, टेक्निकली वो इतना स्किल्ड हुआ है, रिलेशनशिप का स्टेटस उतना ही डाउन हुआ है। वो जितना स्मार्ट स्किल्ड और इंटेलिजेंट हुआ है उसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल उतना ही डाउन हुआ है। लोगों को यही लगता मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, व्हाट्सएप हैक कर सकता हूँ, लोकेशन ट्रेस कर सकता हूँ अपने पार्टनर की, मैं अपने रिलेशनशिप को तो संभाल ही लूंगा। बेवकूफी है, ऐसा नहीं संभलते रिलेशनशिप, ऐसे बल्कि दो लोगों के बीच में दूरियां ही बढ़ती है कि यार तुम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरे ऊपर। तो आप कितने स्मार्ट क्यों ना हो, रिलेशनशिप को संभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए खाद पानी अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी बेसिक नीड अलग होती है। जब भी आप किसी इंसान से रिलेशनशिप में आते हो, शुरुआती टाइम में आपको ऐसे ही लगता है यार इससे बढ़िया तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान हूं।
100 में से 100 मार्क्स देने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। जैसे ही 2-4 साल निकलते हैं उसके साथ आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हो, उस रिलेशनशिप को जीना शुरू करते हो, वो 100 मार्क्स ना घट के 60 रह जाते हैं। 4 साल बाद जब आपको आपसे कोई पूछेगा कि आप कितने स्कोर देना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, आप 100 मार्क्स नहीं दोगे, आप 100 में से 60 मार्क्स दोगे। तो जो 60 मार्क्स है ना, वही ट्रुथ है, वही रियलिटी है। 100 में से 100 मिथ है। हर रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज ग्लोरियस होता है। आप एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं और सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। जैसे वो फेज डाइल्यूट होता है, उस व्यक्ति को आप 60 या 50 की एवरेज पे आंकना शुरू कर देते हो। अगर आपका रिलेशनशिप 50 या 70 की एवरेज पे है, परफेक्ट है, सब बढ़िया चल रहा है, इस बीच में अगर 30-40% अगर एक दूसरे से आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं भी हो पा रही है ना, उस रिलेशनशिप को मत छेड़ो, चलने दो, बढ़िया है। 100 में से 100 किसी रिलेशनशिप का नहीं होता, आपके दोस्तों का भी नहीं होगा, आपके परिवारजनों का भी नहीं होगा, सब दिखा हुआ है कि नहीं 100 में से 100 है। तो अगर आपके 50 और 70% में आप अपने रिलेशनशिप को आंकते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज देख रहे हो अपने रिलेशनशिप को कि यार 20 या 30% और कभी कभी उससे भी डाउन चला जाता है, आपके पेरेंट्स या आपके काउंसलर बने बैठे हैं, कभी पड़ोसी उठकर चले आ रहे हैं आपके घर पे आपको राय देने के लिए, आपके झगड़े कलेशों में पता लग रहा है जिंदगी झंड हो गई है, कभी थाने में बैठे हो जाके, कभी वकीलों के चक्कर काट रहे हो, वहां फिर उस रिलेशनशिप में आपको देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी है यानी कंटिन्यू करना है या नहीं, कि ये बिलो एवरेज है। जब कोई रिलेशन बिलो एवरेज चला जाता है ना, तो वहीं से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, ये पनपना शुरू होती हैं। अब इसके पीछे क्या कारण होते हैं, सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भी, जल्दी हाजिर होगा, टाइम नहीं लूंगी ज्यादा, टेंशन मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी बना दूंगी वीडियो।